भाई बहुत ही खुशी से कहते हुए मेरे पास आकर बैठ गए। बहुत ही इज्जत से मुझे अपने बराबर में बैठा लिया। भाई के बराबरी में बैठे मेरा शरीर कांप रहा था। मैं नहीं जानती थी कि उससे आगे मेरे साथ क्या होने वाला है, लेकिन आज मैं पूरा सच जानना चाहती थी। भाई बहुत मोहब्बत से कहने लगे, सीमा छोटी जवान हो रही है, ये कहकर तू मुझसे इस कदर दूर हो गई है कि मुझे जबरदस्ती तुझे अपने कमरे में बुलाना पड़ता है। मेरा भी तो तुझ पर कुछ हक है। मैं मानता हूँ कि हमारी बहन जवान हो रही है, लेकिन वो इतनी छोटी भी नहीं है कि उसे यह ना समझ हो कि भाई भाभी एक कमरे में एक साथ रहते हैं। तू सारा दिन काम करके थक जाती है, चल अब सुकून से सो जा, मैं तुझे अपने करीब देखकर खुश हो जाता हूँ। भाई को अंधेरे की वजह से मेरा चेहरा नजर नहीं आ रहा था और भाई ने खुद ही मुझे अपने तकिए पर लेटा दिया। वह बहुत आहिस्ता आहिस्ता बातें करने लगे। वह कह रहे थे कि अपनी आमदनी का कुछ हिस्सा उन्होंने जमा कर लिया है, जिससे वह मेरी शादी करेंगे। उसके बाद जो कुछ भाई ने कहा वो सुनकर मेरे होश उड़ गए। वह कह रहे थे, मैं जानता हूँ कि सैफ ने एक बार फिर हमारे घर का रास्ता देख लिया है, लेकिन सीमा मैं तुझे बता दूँ कि वो इंसान ठीक नहीं है और ना ही उसकी नीयत अच्छी है। पहले भी एक बार वो तुझे बर्बाद करने की कोशिश कर चुका है और अब तो हमारे घर जवान बहन भी है, इसीलिए तो एहतियात का दामन थाम के रखना। भाई को अभी तक मालूम नहीं था कि मैं भाभी नहीं बल्कि उनकी बहन हूँ। और कुछ ही देर बाद भाई को नींद लग गई। काफी देर तक मैं दम साधे भाई के पास बैठी थी, लेकिन भाई तो बहुत गहरी नींद सो चुके थे। मैं खामोशी से उठकर कमरे से बाहर निकल आई। भाई ने कुछ भी ऐसा नहीं किया था जिससे मुझे कुछ भी समझ आता। भाई तो बहुत इज्जत और एहतराम से बात किए और सो गए, फिर भाभी ऐसा क्यों करती है? इसलिए सैफ अंकल और भाभी को लेकर मेरे दिल में बहुत से सवाल पैदा हो चुके थे। अगली सुबह भाई रोजाना की तरह थे और उनका चेहरा ऐसे था जैसे भाभी के साथ रात गुजारने के बाद हुआ करता था। मैं खामोशी से भाई का जायजा ले रही थी, लेकिन मुझे भाई के रवैये में कोई बदलाव नजर नहीं आ रहा था। स्कूल से वापस लौटी तो घर के बाहर ही सैफ अंकल की गाड़ी खड़ी हुई थी। मैं हमेशा दूर से सलाम करके घर में आती थी, लेकिन आज मैं चोरों की तरह दबे पांव घर में घुस गई। भाभी और सैफ अंकल मेरे कमरे में एक साथ बैठे बातें कर रहे थे, उन्हें मेरी मौजूदगी का एहसास नहीं था। जो कुछ मैंने अपने कानों से सुना वह सुनकर मेरे होश उड़ गए। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि वो सच जिसे जानने के लिए मैं बेताब थी वो इस कदर भयानक है। भाभी सैफ अंकल से हंसकर कह रही थी कि मैंने अपनी ननद के दिल में उसके भाई के खिलाफ पूरी तरह नफरत का बीज बोया है और अब वो दिन दूर नहीं है जब मेरी ननद अपने भाई के खिलाफ खड़ी हो जाएगी। वो जबरदस्ती मुझे अपने साथ इस रिश्ते में बांध कर रखा हुआ है, लेकिन अब मैं आजादी चाहती हूँ। वह मुझे कमरे में लेकर जाता है और मुझसे बात करते करते ही सो जाता है, लेकिन जैसे ही मैं बाहर निकलती हूँ तो अपना हुलिया खुद ही खराब कर लेती हूँ। मैंने छोटी के दिल में ये बात अच्छी तरह बिठा दिया है कि उसका भाई मुझ पर जुल्म करता है। एक दिन तो मैंने खुद ही अपनी सूट का आस्तीन तक फाड़ डाला। मैं चाहती हूँ कि जब मैं उससे आजादी की बात करूँ तो मेरी ननद मेरी ढाल बन जाए और मुझे अपनी ननद को छोड़कर उसके घर से ना निकलना पड़े। छोटी तो दुनिया को मेरी बेगुनाही और अपने भाई के जुल्म की दास्तां सुना देगी और मैं छोटी को लेकर तुम्हारी जिंदगी में शामिल हो जाऊंगी। सैफ अंकल हंसते हुए कहने लगी कि हाँ, मैंने छोटी से भी कह दिया है कि उसे जब भी मेरी मदद की जरूरत होगी मैं चला आऊंगा। भाभी सैफ अंकल से कहने लगी कि पहली की तरह तुम मेरे साथ बेवफाई ना करना। एक बार पहले भी तुम मुझे बीच रास्ते में छोड़कर चले गए थे।
उस वक्त मेरे पति ने मुझे माफ करके अपनाया था। सैफ अंकल मेरी भाभी का हाथ पकड़कर कहने लगे कि मैंने बहुत मजबूरी में तुम्हारा हाथ छोड़ा था, क्योंकि मेरे घर वाले इस बात के बिल्कुल खिलाफ थे कि मैं एक शादीशुदा औरत से रिश्ता करूं, लेकिन अब मुझे रोकने वाला कोई नहीं है। मैं पूरे दिल से तुम्हें अपनाऊंगा और तुम्हारी ननद को हम अच्छे दामों में विदेश में बेच देंगे। बस छोटी को किसी भी तरह यह सच पता ना चले कि उसका भाई जालिम नहीं, बल्कि हम उसे जालिम साबित करना चाहते हैं। एक छोटी ही है जो हम दोनों को एक करवा सकती है। भाभी ने सैफ अंकल को यकीन दिला दिया कि सब कुछ वैसा ही होगा जैसे उन दोनों ने सोच रखा है। वो दोनों हंसते हंसते थक चुके थे और मेरे कदमों तले जमीन निकल गई थी। मेरी भाभी सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि मेरे भाई को भी पूरी तरह धोखा दे रही थी और वह मेरे भाई के घर में बैठकर एक दूसरे आदमी के साथ मिलती थी और नए रिश्ता की बातें कर रही थी। मुझे भाई की बात याद आ गई कि सैफ ने पहले भी हमारा घर उजाड़ने की कोशिश की थी। मैं बहुत कुछ जान चुकी थी, इसलिए कमरे के अंदर दाखिल हो गई। मुझे देखकर भाभी और सैफ अंकल चौंक उठे, लेकिन थोड़ी देर में उन्होंने अपने आप पर काबू पा लिया। सैफ अंकल ने मेरी तरफ चॉकलेट बढ़ाई। मैंने चॉकलेट पकड़ने के बजाय भाभी की शक्ल देखी और सख्त लहजे में भाभी से पूछा कि आपको मुझे बताना पड़ेगा कि आखिर आपको भाई से क्या मसला है। भाभी जान चुकी थी कि उनके झूठ का पोल खुल चुका है, इसलिए बिना झिझके भाभी ने मुझे सारा सच बता दिया। भाभी शादी से पहले अंकल से मोहब्बत करती थी, लेकिन सैफ अंकल ने उनसे शादी करने के बजाय विदेश जाकर नौकरी करने लगी और भाभी की मोहब्बत को छोड़कर अपना कैरियर चुन लिया। बचपन की मोहब्बत में अपना रंग कच्चा ना होने दिया और भाभी के दिल में सैफ अंकल की मोहब्बत का रंग बसा रहा। भाभी के घर वालों ने भाभी के लिए भाई को पसंद कर लिया। भाभी जवान और खूबसूरत थी, जबकि भाई उम्र में 9 साल बड़े थे और भाई आम शक्ल सूरत के मालिक थे, जबकि सैफ अंकल हैंडसम थे। भाभी के लिए भाई का रिश्ता घर वालों की मर्जी से था और भाभी ने अपने घर वालों की जबरदस्ती पर भाई से शादी तो कर ली, लेकिन वो कभी भाई को दिल से अपना ना पाई थी। जबरदस्ती का ये रिश्ता भाभी के लिए किसी बोझ की तरह था, लेकिन भाभी इस रिश्ते को किसी तरह चला रही थी कि तभी भाभी की शादी के कुछ साल बाद सैफ अंकल विदेश से कुछ दिन के लिए वापस आए तो उनके दिल में भाभी को देखकर एक बार फिर से जज्बात जाग उठे। भाभी भी बचपन की मोहब्बत और अपने जज्बात के हाथों मजबूर होकर सैफ अंकल से चुपके चुपके मुलाकातें करने लगी, लेकिन कुछ ही दिनों में यह बात भाभी की बड़ी मम्मी को पता चल गई और उन्होंने सारे खानदान में भाभी की इज्जत को उछालना शुरू कर दिया। भाई भाभी से सच्ची मोहब्बत करते थे, इसलिए उन्होंने भाभी को बदनामी से बचा लिया और इस सारे बातों को झूठा साबित कर दिया। जब भाई ने भाभी का साथ दिया तो सारा खानदान अपने आप ही खामोश हो गया। बड़ी मम्मी के हाथ मेरी भाभी तो ना आ सकी, लेकिन उन्होंने सैफ अंकल पर सख्ती की और उन्हें जबरदस्ती वापस भेज दिया। मोहब्बत का जोश जंग की तरह बैठ गया था। अब 1 साल पहले सैफ अंकल ने दोबारा जिंदा कर दिया। अंकल हमेशा के लिए इंडिया आ गए थे और एक बार फिर वो भाभी के पीछे दीवाने हो गए थे। भाभी को तो पहले ही दिन से भाई पसंद नहीं थे, हमारे हालात भी कुछ खास नहीं थे। जबकि सैफ अंकल के पास विदेश का पैसा था और भाभी के लिए भाई को छोड़ना कुछ मुश्किल नहीं था, लेकिन दिक्कत ये था कि भाई मुझसे भी बहुत मोहब्बत करते थे और भाभी मुझे अपने साथ विदेश ले जाना चाहती थी। इसलिए भाभी ने जानबूझकर यह सारा खेल रचाया और मेरी नजरों में भाई को गलत साबित कर दिया। भाभी हमदर्दी बटोर कर मुझे अपने साथ ले जाना चाहती थी, इसीलिए हमारे सामने भाई को जालिम साबित किया और खुद बेचारी बनकर रहने लगी।
इतने साल से मैं यही सोच रही थी कि भाई तो कभी ऊंची आवाज में हमसे बात तक नहीं किए, फिर वो बंद कमरे में भाभी पर जुल्म कैसे कर सकते हैं। मैंने भाभी से साफ साफ कह दिया कि अगर आपको उसके घर जाना है तो आप जा सकती हैं, लेकिन मैं अपने भोले भाले और वफादार भाई को नहीं छोड़ सकती। सैफ अंकल जो पहले ही भाभी को दो बार छोड़ चुके थे, भाभी उनसे ना जाने कैसे तीसरी बार उम्मीद लगाकर बैठी थी। मुझे सैफ अंकल की आंखों में आज पहली बार अपने लिए सिर्फ और सिर्फ ख्वाहिश दिखाई दी थी और मैं जान गई थी कि उस ख्वाहिश को पूरी करने के बाद भाभी उनके किसी काम की नहीं रहेगी। भाभी ने मुझे आगे के सुहाने सपने दिखाकर इस बात के लिए मजबूर किया था कि मैं उनके साथ चल पड़ूं और भाई को छोड़ दूं। लेकिन मेरे लिए भाई को छोड़ना इतना आसान नहीं था और मेरे लिए मेरे भाई ही सब कुछ था। अगर मेरे सामने सारा सच ना आता तो शायद मैं कुछ गलत फैसला कर बैठती, लेकिन ऊपर वाले का शुक्र है कि मैंने अपनी आंखों से सब कुछ देखा था और कानों से सुना था। लेकिन भाभी अंकल के साथ जाने के लिए राजी थी, लेकिन जब सैफ अंकल ने देखा कि मैं किसी तरह उनके काबू नहीं आऊंगी और ना ही भाभी के साथ चलूंगी, तो एक बार फिर भाभी से अपनी राह जुदा करके भाभी को छोड़ गए थे। भाभी को पता चला था कि सैफ अंकल भाभी को भी विदेश ले जाकर बेचैन वाले थे और मेरे साथ भाभी के अच्छे दाम मिल रहे थे, लेकिन जब खरीदार को पता चला कि मैं उनके काबू नहीं आई हूँ तो उन्होंने भाभी को खरीदने से मना कर दिया। वो बहुत ही चालाक और मक्कार इंसान थे। उन्होंने मेरी भाभी की मोहब्बत को पूरी तरह अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने का सोचा था। भाभी को जब एहसास हुआ कि जबात की धारे में बहकर वो कितना बड़ा नुकसान करने जा रही थी, अगर भाभी और मैं उनके साथ चले जाते तो वो हमारी इज्जत को एक बार फिर वैसे ही बदनाम करते जैसे बड़ी मम्मी ने भाभी की इज्जत की धज्जियाँ बिखेरने की कोशिश की थी। न जाने कौन सा अच्छा काम हम दोनों ननद भाभी के काम आ गया था कि हम सैफ अंकल के चुंगल से निकल गए थे। भाभी ने मुझसे अपने किए की माफ़ी मांगी, मैंने भी भाभी से वादा किया अब वो कभी ऐसी गलती नहीं करेंगी। रात को भैया घर लौटे तो भाभी ने खुद ही भैया के लिए खाना मंगवाया और अपना बिस्तर भी भैया के कमरे में लगा दिया। भैया की खुशी देखने के लायक थी। भैया सच में भाभी से बहुत मोहब्बत करते थे और ये उनकी मोहब्बत ही थी जो वो भाभी की गलतियों को आज तक नजरअंदाज करते आए हैं। इतने सालों में पहली बार भाभी को अपनी गलतियों का एहसास हुआ था और उन्होंने भाई को दिल से अपनाया था। अगली सुबह भाई और भाभी हंसते मुस्कुराते कमरे से बाहर निकले थे और मेरे दिल को एक ठंडक का एहसास हुआ था। कभी कभी हम प्यार के नाम पर ऐसा धोखा खाते हैं कि किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहते। असल मोहब्बत तो विवाह के बाद ही होती है, जिसमें इंसान एक दूसरे का ढाल बनकर एक दूसरे का ऐब ढक लेता है और एक दूसरे की इज्जत का ख्याल रखता है।